लड़की की निकाह में बाप का वली, सिर्फ लड़की की निकाह में गवाह जरूरी है क्या? बाप का वली बनना काफी है खाली? क्या कहा भाई ने शेख? लड़की के निकाह में गवाह बनना जरूरी है या फिर बाप वली काफी है? नहीं, देखिए, वली अलग चीज है, गवाह अलग चीज है। तो वली का होना तो शर्त है, और जो गवाह का मसला है, या तो गवाह हो, कम से कम दो गवाह हो, या तो उस निकाह का ऐलान हो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 10-20 लोग, 50 लोग मौजूद हैं निकाह की मजलिस में। अब उसमें से ये तय करना जरूरी नहीं है कि फलाने और फलाने गवाह हैं, दो आदमी गवाह हैं, क्योंकि वहां सारे लोग गवाह हैं। ऐलान हो रहा है, अलग ऐलान निकाह हो रहा है, तो यहाँ पर गवाही जरूरी नहीं है। हालांकि इस मसले में भी इख्तिलाफ है। कुछ उलमा ने कहा है कि प्रॉपर गवाही जरूरी है, लेकिन अगर ऐलान हो रहा है तो ऐलान गवाही का मकसद क्या है? गवाही का मकसद यही है कि कल को अगर कोई मसला हो जाए तो मियां बीवी में से कोई इस बात का इनकार ना कर सके कि निकाह हुआ है, या इसी तरह से दोनों में से किसी की वफात हो जाए तो हम कैसे साबित करेंगे कि निकाह हुआ था अगर कोई गवाह नहीं है। तो निकाह गवाह का मकसद है उस निकाह को बराबर तरीके से उसका लोगों को इल्म होना, ताकि किसी का हक जाया ना होने पाए। अब अगर गवाह ना हो करके ऐलान हो रहा है, बहुत सारे लोग गवाह हैं, एक दुनिया उसको जानती है, तो फिर गवाही तो उससे कमतर दर्जे की चीज है। लिहाजा कम से कम गवाही होनी चाहिए दो आदमियों की, और अगर ऐलान हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो ये और अच्छी बात है। असल में बाज लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं शेख, वो समझते हैं कि दो गवाह होने चाहिए, तो एक लड़के की तरफ से और एक लड़की की तरफ से, ये जरूरी और कंपलसरी है। नहीं, वो गवाह कोई भी हो, कोई भी मुसलमान गवाह हो सकता है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से। और एक चीज और भी है अरशद भाई, जिसको यहाँ खास तौर से इस जमाने में, हम लोगों के जमाने में, जहाँ लोग जो है बहुत सारे हीले बहानों से गलत काम करते हैं, तो जैसे हमने कहा कि दो गवाह के साथ निकाह सही है, ठीक है। अब ठीक अगर है। कोई आदमी चुपके से शादी करना चाहता है, अपने दो दोस्तों को ले आया गवाह बना करके, और चुपके से शादी कर लिया, उन दो लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब बाद में मान लीजिए भाई, दो ही आदमी तो हैं, अल्लाह ना करे उन दोनों आदमियों की वफात हो गई, आप कैसे साबित करोगे वो निकाह? सही बात है। इसीलिए बहुत सारे उलमा ने कहा है कि सिर्फ दो आदमियों की गवाही काफी नहीं है। गवाही के सिलसिले में जो हदीस है, उस हदीस पर भी कलाम है। दो आदमियों की गवाही काफी नहीं है, बहुत सारे उलमा ने कहा ऐलान जरूरी है। अगर आप गवाह रख भी रहे हैं, उसके बाद भी ऐलान जरूरी है। और सही बात यही है कि अगर आपने गवाह रखा भी है, तब भी ऐलान करना जरूरी है, खास तौर से हमारे जमाने के हालात को देखते हुए। तो ऐलान जरूरी है, अगर निकाहे सिर है, चुपके से शादी हो रही है, तो ये जायज नहीं है।